नमस्कार, दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि G20 के लिए भारत के एजेंडे का पूरी दुनिया में स्वागत किया गया। दुनिया जानती थी कि भारत ग्लोबल मुद्दों का समाधान खोजने में मदद करने के लिए अपना सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण पेश करेगा। इसी सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने कहा कि हमने पिछले 9 वर्षों में अपने देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण का पालन किया। इस नजरिए ने पूरे देश को प्रगति के लिए एक साथ लाने और समाज के अंतिम पायदान तक विकास का फल पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज इस मॉडल की सफलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। वैश्विक संबंधों में भी यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2014 में कोई भी मोदी को नहीं जानता था और फिर भी उन्होंने मुझे इतने बड़े जनादेश के साथ वोट दिया। 10 साल बाद उन्होंने हर जगह थोड़ा थोड़ा मोदी देखा। चंद्रयान मिशन में मेरी हाल की अमेरिका यात्रा में अब जब वे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग फिर से सही चुनाव करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें उन लोगों से दिक्कत है जो सोचते हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री ने इस बातचीत में आगे कहा कि भारत के पक्ष में जो बात काम कर रही है वो ये है कि देश विकासशील दुनिया के हितों को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें अफ्रीकी संघ के देशों जैसे G20 में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले देशों के हित भी शामिल है। मोदी ने कहा कि शायद G20 के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब विकासशील दुनिया की तिकड़ी इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील के साथ है। ये तिकड़ी ऐसे महत्वपूर्ण समय में विकासशील दुनिया की आवाज को बुलंद कर सकती है जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ गया है। तो देखिए, सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है, भारत को मैं बहुत मजबूत स्थिति में देखता हूं। राजनीतिक स्थिरता में तरक्की भारत ने की है और अब दुनिया में भारत की भूमिका भी अहम हो गई है। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है और हम सबको साथ लेकर सबके विकास को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। समाधान की हर कोशिश में भारत जुटा हुआ है और G20 से भारत का सामर्थ्य भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कही, अपने विजन को बताया। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने वो तमाम चीजों को गिनाया जो पिछले 9 सालों में भारत में बदली है। उनका कहना है कि धीरे धीरे इकोनॉमिकली हमारा देश काफी स्ट्रांग हो रहा है। इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया। moneycontrol.com पर दिए अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी देश और दुनिया के कई अहम मसलों पर बात करते नजर आए। भारत की इकोनॉमी से लेकर G20 में भारत की अध्यक्षता तक, देश में राजनीतिक स्थिरता से लेकर वैश्विक हालातों तक पीएम मोदी तमाम बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते दिखे। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिए इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि भारत विकासशील दुनिया के हितों को आगे बढ़ा रहा है। मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की न केवल भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया के लिए अच्छी बात है। भारत का विकास स्वच्छ और हरित विकास है। भारत की वृद्धि ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। Thank you.
मुद्रा स्फीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बीच भी भारत में मुद्रा स्फीति 2022 में वैश्विक औसत मुद्रा स्फीति दर से 2% कम रही। आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। रक्षाबंधन के मौके पर LPG की कीमतों में कटौती की गई। पीएम ने फ्री बायस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से गैर जिम्मेदाराना नीतियों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसी नीतियों के दीर्घकालिक प्रभाव न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बल्कि समाज को भी नष्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि लोगों ने हमें एक बार नहीं बल्कि दो बार जनादेश दिया। पहला जनादेश वादों को लेकर था, दूसरा इससे भी बड़ा जनादेश हमारे प्रदर्शन और देश के भविष्य को लेकर हमारी योजनाओं के लिए मिला। पीएम ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता के कारण हर दूसरे क्षेत्र में गहरे संरचनात्मक सुधार देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। रायगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। 14 सितंबर को पीएम रायगढ़ पहुंचेंगे। बता दें कि बीजेपी ने एक सभा कर दी है यहां पर। 14 सितंबर को एक भव्य सभा यहां पर होनी है, जिसकी ऐतिहासिक तैयारियां शुरू हो गई। सभा को बीजेपी ऐतिहासिक बनाना चाहती है, जिसके चलते अब इस भव्य सभा की तैयारियां शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को रायगढ़ दौरे पर आएंगे, जहां एक भव्य सभा को वे संबोधित भी करेंगे। ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और एक भव्य सभा के आयोजन की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी। आज खंडवा से जन आशीर्वाद यात्रा निकलनी है और ऐसे में नितिन गडकरी रथ को रवाना करने वाले हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री दादाजी धूनी वाले आश्रम में आज नितिन गडकरी पहले दर्शन करेंगे। इसके अलावा उत्कृष्ट स्कूल में सभा के बाद इस यात्रा की शुरुआत होगी। बता दें कि बीजेपी की ये 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा है, जिसको आज नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री आज खंडवा पहुंचकर यात्रा के रथ को रवाना करेंगे। वहीं आपको बता दें, इससे पहले केंद्रीय मंत्री दादाजी धूनी वाले आश्रम भी पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद उत्कृष्ट स्कूल में, जहां एक भव्य सभा होनी है, इस सभा को संबोधित कर इस जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करें। लगभग पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आप खंडवा पहुंचने वाले, और उसके पहले यहाँ पर पुलिस महकमे की रिसर्च चल रही है। कॉर्केड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनका काफिला आज अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। उसके पहले यहाँ पर वाहनों से उनके कॉर्केड की रिहर्सल की जा रही है। यहाँ पर देखिए, आपको ये सभी वाहन नजर आ रहे हैं। यही वो सभा स्थल है जहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और यहाँ पर पुलिस का काफी अमला मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई है और यहाँ पर लगातार पुलिस के कॉर्केड गुजर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर खास कर फोकस किया जा रहा है। और इसके बाद यहाँ से यात्रा यहाँ पर से रवाना होगी, उसके बाद ये आगे चलकर अलग अलग जिलों में आगे पहुँचती जाएगी। ये जन आशीर्वाद यात्रा के आपको छोटे छोटे रथ नजर आ रहे हैं, इसमें गूंज रहा है फिर इस बार भाजपा सरकार। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 खंडवा। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज खंडवा में यहाँ पर शुरू होने वाली है। ये वो सभा स्थल है जहाँ पर आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आकर संबोधित करेंगे। यहाँ पर देखिए, बड़ी संख्या में कुर्सियाँ लगी हुई है। यहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी और यहाँ से हम आपको बता दें कि मालवा निमाड़ का ये सबसे महत्वपूर्ण गढ़ है खंडवा, जहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इस
का हम राजनीतिक आपको सीटों का बारे में बता दे तो मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ में कुल 66 सीट आती है, जिसमें से पिछले 2018 के चुनाव में भाजपा को महज 28 सीट पर जीत मिली थी और कांग्रेस ने यहां पर पहली बार 15 साल के बाद यहां पर बढ़त बनाई थी और कांग्रेस को 35 सीट मिली थी। तो भाजपा एक बार फिर ये जानती है कि मालवा निमाड़ उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत खंडवा से की जा रही है। इस बार भाजपा ने यहाँ पर मिशन 2023 के लिए 66 सीट में से 50 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मालवा निमाड़ क्या एक बार फिर भाजपा को सरकार में वापस से लौटाएगा। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 खंडवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोरबा से बड़ी खबर आपको बताते हैं जहां मालगाड़ी और कार में टक्कर हो गई है। इस हादसे में बाल बाल बचे हैं कार सवार। बताया जा रहा है कि एयरबैग खुलने से कार सवार लोगों की जान बच गई है। मानव रहित रेलवे फाटक पर यह हादसा हुआ है। रायपुर से बालको नगर ये सभी जा रहे थे कार सवार, अचानक ही इनकी टक्कर मालगाड़ी से हुई, लेकिन गनीमत रही कि कार के अंदर लगे एयरबैग्स खुल गए। समय पर वो एयरबैग्स खुले जिनसे कार सवारों की जान बच गई। जूनाडी रेलवे साइडिंग के पास की ये घटना है। सभी कार सवार बाल बाल बचे, वरना एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। खबर महासमुंद से है जहां खेत में काम कर रहे दो लोगों पर भालू ने हमला बोल दिया। भालू के हमले में एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि हमला कर भालू जंगल की ओर भाग निकला। वहीं पिथौरा वन परिक्षेत्र के टेका ग्राम का ये मामला बताया जा रहा है जहां खेत पर काम कर रहे दो लोगों पर अचानक ही भालू ने हमला बोल दिया। इधर दुर्ग में पुल से शिवनाथ नदी में एक कार गिर गई। बताया जा रहा है कि हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। कई घंटों की तलाश के बाद एसडीआरएफ की टीम ने नदी से कार को बाहर निकाला। वहीं आपको ये भी बता दें कि कार में एक पुरुष, एक महिला और उनके दो बच्चे शामिल थे। मृतकों में सिर्फ पुरुष की ही पहचान हो पाई है। बोरसी निवासी ललित साहू के रूप में उनकी पहचान हुई है। पूरा परिवार कार से जा रहा था, नदी में कार गिर गई जिसके चलते चारों की मौत। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया नदी से। अब तक सिर्फ पुरुष की शिनाख्त हो पाई है, महिला और बच्चों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। तो चुनाव से पहले प्रदेश में अवैध पैसों के मिलने का सिलसिला जारी है। जांजगीर चांपा के मुलमुला में गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से 11 लाख रुपए मिले। कार से जा रहे अकलतरा के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ के पास से पुलिस ने ये पैसे बरामद किए हैं। बता दें कि 11 लाख रुपए पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और अब मोहम्मद यूसुफ से पूछताछ की जा रही है। खबरें ये भी हैं कि जो आरोपी हैं उनके पास कोई हिसाब नहीं है इन पैसों का। चुनाव से पहले अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और जांजगीर चांपा से ही ऐसा मामला सामने आया जहां पुलिस चेकिंग कर रही थी और इस दौरान एक कार से 11 लाख रुपए बरामद हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंदौर से बड़ी खबर जहां चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। पिछले एक सप्ताह में 12 से ज्यादा चोरी की वारदातें इंदौर में हो चुकी हैं। रात भर रखवाली लोग करने को मजबूर हो गए हैं। हाथों में डंडे टॉर्च लेकर महिलाएं पहरेदारी करती नजर आ रही हैं। लसूड़िया थाना क्षेत्र के कासा ग्रीन्स का ये मामला है। लोगों का कहना है कि लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं जिससे अब सुरक्षा का मोर्चा खुद लोगों ने ही संभाला है। लगातार 12 वारदातें पिछले एक सप्ताह में सामने आई हैं जिससे लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं और अब महिलाएं अपने घरों की पहरेदारी करती नजर आ रही। तो आप तस्वीरों में
देख पा रहे होंगे किस तरह से जो इस कॉलोनी के रहवासी हैं वो अपने अपने घरों की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतर आए हैं। घरों के बाहर डंडे लेकर महिलाएं पहरेदारी दे रही हैं। और आप देखिए लगातार जिस तरह से वारदातें इंदौर में बढ़ रही हैं, लोगों का मानना है कि सुरक्षा की दृष्टि से अब उन्हें ही सुरक्षा करनी होगी, खुद की भी और सामान की भी। कॉलोनी वासियों ने हाथों में डंडा लेकर खुद अपने घर की सुरक्षा के लिए इस कदम को उठाया है। रात भर ये पहरेदारी कर रहे हैं क्योंकि चोरी की वारदातें इनकी कॉलोनी में बढ़ती ही जा रही हैं। इससे देखिए कई तरह के सवाल पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि क्या कुछ इंतजाम ऐसी कॉलोनियों में किए गए हैं कि चोरों पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है और जिससे यहाँ के रहवासी मजबूर हैं पहरेदारी करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार से बड़ी खबर, जहां अंधविश्वास का खेल देखने को मिला। एक पिता ने 1.5 साल के बेटे की बलि दे दी। तांत्रिक क्रिया कर बेटे की बलि इस पिता ने दी है। पिता ने 1.5 साल के बेटे की पटक पटक कर हत्या कर दी। घर के दरवाजे बंद कर तांत्रिक क्रिया ये कर रहा था। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को हिरासत में लिया गया। घाटा बिल्लोद की यह घटना बताई जा रही है, जहां इस मामले की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तांत्रिक क्रिया करता ये पिता पकड़ाया है, जिसने अपने छोटे से बच्चे की पटक पटक कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर इंदौर में चाकूबाजों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार किया। बदमाशों का जुलूस भी निकाला गया। बता दें कि बदमाशों से उठक बैठक भी पुलिस ने करवाई है। लगातार चाकूबाजी की वारदातें शहर में सामने आ रही थी, जिसके चलते पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने इन आरोपियों का, इन चाकूबाजों का जुलूस निकाला। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इन बदमाशों को पकड़ा और उसके बाद इनसे उठक बैठक भी करवाई। खबर बिलासपुर से है, जहां अपहरण के बाद राजस्थान के किसान की निर्मम हत्या कर दी गई है। जबलपुर के सब्जी कारोबारियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि लाश को कवर्धा के कुंडा थाना क्षेत्र में फेंक कर ये आरोपी भाग निकले। पुलिस ने फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दो आरोपी सनम अंसारी और गुलशन अंसारी अब भी फरार है। तखतपुर थाना क्षेत्र के बांसाझाल की एक घटना है, जहां आपको बता दें कि राजस्थान के किसान की निर्मम हत्या जबलपुर में सब्जी कारोबारियों ने की। यह भी बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देकर ये कवर्धा के कुंडा के पास लाश को फेंक कर भाग निकले। इस मामले में अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। वहीं दो आरोपी सनम अंसारी और गुलशन अंसारी जो कि फरार चल रहे हैं, पुलिस इन आरोपियों की तलाश में। इधर अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने गए वन कर्मियों के साथ मारपीट कर दी गई। परिक्षेत्र सहायक और दो चौकीदारों से मारपीट का ये मामला सामने आया है। बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों ने वन कर्मियों को बचाया और वन विभाग ने कोतवाली में इस मामले को दर्ज भी कराया। बता दें कि महामाया पहाड़ डबरी पानी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अतिक्रमण हटाने गए वन कर्मियों के साथ परिक्षेत्र सहायक और दो चौकीदारों के साथ मारपीट की। मौके पर ग्रामीण पहुंचे, जिसके बाद इन्हें बचाया गया। और चलिए इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं। के वरीय पदाधिकारी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजी और सभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के कंसर्निंग अफसर्स थे, उनसे मुलाकात की। तो इससे हुआ क्या, मैं आपके सामने ये पहले रखना चाहता हूँ। तो जो मेन पॉइंट्स पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे सामने रखे,
वो आपके सामने मैं फर्स्ट रखता हूं और उसका जवाब भी क्या होगा ये भी आपको बता। तो आपके माध्यम से उन्होंने प्रश्न रखे, हमने उसकी समीक्षा की और आपके माध्यम से उनको जवाब भी उसके हम देंगे। तो हमने आपसे मुलाकात की, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके पदाधिकारी और प्रतिनिधिगण हमसे मिलने आए। सबकी कंबाइंड मिला के मांगे ये थी कि एक ही परिवार के सदस्यों का मतदान केंद्र मोस्टली एक ही जगह पर हो, टूटे ना, इलेक्ट्रल रोल इंक्लूसिव हो और हेल्दी हो और प्योर हो, उसमें गड़बड़ियां ना हो। किसी किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ शिकायतें भी मिली, जिसमें भोपाल शहरी क्षेत्र की भी एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी शामिल है। उनकी मांग ये भी थी कि सभी मतदान केंद्रों पर, सभी जो सेंसिटिव मतदान केंद्र हैं उन पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाए। मतदान केंद्रों में किसी भी अप्रिय घटना को देखने के लिए वेबकास्टिंग की जाए, ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की मांग थी। वोटिंग शुरू होने से कम 50 वोट की मॉक पोलिंग की जाए ताकि वो निश्चित हो सकें मशीन्स के बारे में। इलेक्शन मीटिंग्स या जो भी सुविधाएं कैंडिडेट्स को मिलती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती है, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड हो और ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट किया जाए कि जो पहले आए उसको पहले मिले, ऐसा ना हो कि पिक एंड चूज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे। चुनाव पर्यवेक्षक जो आते हैं वो एक तो मिलें उनसे लगातार, और दूसरे ऐसे होटलों में, ऐसी जगह में ना रुकें जो किसी राजनीतिक पार्टी के किसी कैंडिडेट से जिनका कोई कनेक्शन हो। पूरे चुनाव के दौरान धनबल को और बाहुबल को, जिसमें धनबल में शराब का वितरण या ड्रग्स का वितरण या फ्रीबीज का वितरण है, उसको रोका जाए। ईवीएम्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जाए। फेक न्यूज का एक माहौल बनता है सभी चुनावों में, नैरेटिव्स क्रिएट होते हैं, उन पर रोक लगाई। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश रहेंगे, किस चीजों का पालन यहां पर किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जशपुर में शिक्षिका से गैंगरेप की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। धनगरी वाटरफॉल में दो युवकों ने शिक्षिका के साथ दरिंदगी की। बताया जा रहा है कि शिक्षिका को वाटरफॉल घुमाने के बहाने दो युवकों यानी सद्दाम खान और इम्तियाज अंसारी ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित शिक्षिका ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दोनों आरोपी बलरामपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार इन आरोपियों की तलाश में। शिक्षिका के साथ गैंगरेप का ये मामला सामने आया है। इधर राजनांदगांव में रेलवे में नौकरी के नाम पर 18,50,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 14,00,000 रुपए इस आरोपी से जब्त किए गए। बता दें कि फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर ये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। अन्य तीन आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि डोंगरगढ़ थाना के अछोली का ये मामला बताया जा रहा है, जहां नौकरी के नाम पर ये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। तीन आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एक आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है उससे 14,00,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। खबर महासमुंद से है, जहां खेत में काम कर रहे दो लोगों पर भालू ने हमला बोल दिया है। भालू के हमले में एक की मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। बता दें कि हमला कर जंगल की ओर भालू भाग गया। पिथौरा वन परिक्षेत्र के टेका ग्राम का ये मामला बताया जा रहा है। तो भालू ने अचानक ही खेत पर काम कर रहे हैं दो लोगों पर हमला बोला और उसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया। बताया जा रहा है कि एक की इसमें मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर गणेश चतुर्थी को लेकर राजधानी रायपुर में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस पर्व पर गणेश उत्सव समितियां थीम पर आधारित बड़े बड़े पंडाल तैयार कर रही हैं। चंद्रयान 3 जैसा 120 फीट ऊंचा पंडाल बनाया जा रहा है। वहीं कोलकाता, हैदराबाद समेत देश के विभिन्न स्थानों से ये कारीगर आए हैं, जो पंडाल की तैयारियों में जुटे हुए हैं।
आपके पसंदीदा न्यूज चैनल पर जन्माष्टमी के अवसर पर नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप अपने 12 साल के बच्चे को कान्हा के रूप में सजाकर उनकी तस्वीर भेज सकते हैं। चुनी गई तस्वीरों को आकर्षक इनाम जीतने का मौका मिलेगा। नन्हे कान्हा की तस्वीर आप जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपकी तस्वीर इनाम जीतती है तो इसका प्रसारण भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। नन्हे कान्हा की तस्वीर आप इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।